आप लोगों को लगता होगा कि हार्दिक भाई आप लोग क्यों लड़ते हैं भाजपा के सामने। हमारा जन्म हुआ तब से हम भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं है, हमारे गले में कांग्रेस का पट्टा जन्म से नहीं है। लेकिन उन्होंने वादा किया था हम नौजवानों को 2014 में कि हम हर नौजवान को 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार की कोई नौकरी मिली हो तो मुझे हाथ ऊंचा करके बताइए। अगर 2 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के लोगों को मिले हो और पिछले 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होती है अगर किसी को मिली हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा मैं 15 लाख रुपये दूंगा। मेरे घर में 4 लोग थे 2014 में, मैं, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मेरे पापा कहते थे बेटा 15 लाख आएंगे 60 लाख हो जाएंगे। अभी तक 60 लाख रुपये आए नहीं। मैं बात इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि झूठे वादे के खिलाफ कौन लड़ सकता है। ये हमारे यहां छत्तीसगढ़ से पूर्व विधायक है, 60 टर्म के विधायक है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था तब से विधायक है। अब लड़ाई कौन लड़ेगा? 80 साल के हमारे दादा हमको सलाह दे सकते हैं, सूचन कर सकते हैं, अनुभव बता सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का काम हम 25-27 साल के नौजवानों को करना है। हमें लड़के आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें तो मालूम है हमारा जन्म नहीं हुआ था 1972 में जब जेपी आंदोलन हुआ था, गुजरात से आंदोलन हुआ था, एली कॉलेज से सिर्फ 25 पैसा मेस में बढ़ गया था और पूरे हिंदुस्तान में उस आंदोलन ने हाहाकार मचा दिया था। मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं और आप लोग तो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं, आप लोगों की खून में, आप लोगों की नस नस में राजनीति बहती है। आप लोगों को इस बार तय करना है कि उत्तर प्रदेश में कैसा शासन चाहिए, उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चाहिए, उत्तर प्रदेश में कैसा विधायक चाहिए जो आप लोगों की लड़ाई लड़े, आप लोगों के लिए खड़े रहे। दोस्तों प्रियंका जी जब गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में घूमती है, अपनी अपनी बात रखती है, लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में दौरे लगाए, जेल में गई, पदयात्राएं की, लोगों से बात की, उससे एक बात यह साबित होता है कि वो आप लोगों के हितों के लिए लड़ना चाहती है। साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 1,50,000 खाली जगह पड़ी है। सोचिए प्राथमिक शिक्षा अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत कैसी होगी। 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की जगह खाली पड़ी है, उन जगह को भरने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कोई काम पिछले 5 साल में नहीं किया। उन्होंने 5 साल में किया तो क्या किया कि जो लखनऊ के अंदर जो किसान, जो नौजवान, जो शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे उनको लाठी मारने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उनको शिक्षा से क्या लेना देना। जो आदमी 5वीं कक्षा तक नहीं पढ़ा, जिस आदमी ने कभी स्कूल नहीं देखा, वो आदमी आपके बच्चों को और आपके आने वाली पीढ़ी को कभी स्कूल नहीं जाने देना चाहता। स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब जाके हम उत्तर प्रदेश के नए नींव की इमारत रख सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये भर्ती विधान के तहत वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिक विद्यालयों में 1,50,000 जो जगह खाली पड़ी है सबसे पहले उसको भरने का काम हम लोग करेंगे। साथियों हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम आंगनवाड़ियों में जाया करते थे, जहां में दाल चावल वहां आंगनवाड़ी की जो बहन होती वो हमें खिलाती थी। और जब कांग्रेस के शासन में वो आंगनबाड़ी में जो दाल चावल आते थे वो बहुत ही पौष्टिक आते थे और आज हम सब जानते हैं उसके अंदर भी मिल जाते हैं। और ऐसे समय में हम लोगों ने तय किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो 19,300 जगह खाली पड़ी है और आंगनबाड़ी सहायिका जो हम कहते हैं उसकी 27,000 जगह खाली पड़ी है उसको भी भरने का काम करेंगे, ताकि गांव और गरीब का जो लड़का आंगनवाड़ी में जाएगा तो वहां जाके वो पौष्टिक खाना खा सके और अपने बाजुओं को मजबूत कर सके, ताकि उत्तर प्रदेश की एक नई न्यू, एक नई इमारत मजबूती से रखी जाए। वो वादा भी हमने भर्ती विधान के तहत आप लोगों के बीच में रखा है। और साथ ही नीरज जी ने कहा कि हम सिर्फ वो 20 लाख सरकारी जो जगह खाली पड़ी उसकी भी बात नहीं करते, हमने उसके साथ साथ ये वादा भी किया है
कि जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में अलग अलग उद्योग है उस उद्योग को भी मजबूती करने का काम करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, संत रविदास नगर में हथकरघा बुनाई का जो व्यवसाय है उसको भी अच्छी तरह से मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि गांव के लोग ये जो काम में लगे हैं उनको भी मजबूती मिले। हमारे बनारस में जो पर्यटक और बुनाई का जो धंधा चलता है, यहाँ जो लोग काम करते हैं उसको भी मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोगों ने इस भर्ती विधान के तहत बड़ी ईमानदारी से आप लोगों के सामने, ये हमारा वचन है, ये संकल्प है कि 30 साल से कम उम्र के जो व्यवसाय करने चाहते हैं, जो नौजवान हैं, उसको बिना गारंटी 5 लाख रुपए का कर्ज भी प्रदान करेंगे और नई योजना लाएंगे, ताकि वो नौजवान अपने गांव में, अपने शहर में अच्छा व्यवसाय कर सके और अपने कदमों पर चल सके। साथियों, मैं गुजरात से जब यहां आ रहा था तो कई लोग मुझे बोलते थे कि हार्दिक भाई बनारस क्यों जा रहे हैं, बनारस से तो आपका ये भाई वहां आकर संसद बने हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों का काम करते हैं। और मैं और चौबे जी गाड़ी में बैठे थे, मैंने बनारस में कई जगह देखा कि भगवान राम जी की पोस्टर लगी हुई थी और भगवान राम जी उस रावण को मार रहे थे, उसका वध कर रहे थे, ऐसी पोस्टर मैंने देखी। लेकिन मैंने पूरे बनारस में एक ऐसी पोस्टर नहीं देखी जहां भगवान राम एक आदिवासी सबरी के घर जाकर उसके जूठे बैर खा रहे हो, ऐसी फोटो मैंने पूरे बनारस में नहीं देखी। मैं क्यों ये बात कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के मन में, हम लोगों की जहन में सिर्फ और सिर्फ बैर भावना दिखाना चाहती है। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान राम एक राजा, एक महाराजा, एक आदिवासी के घर जाके उसके जूठे बैर खा सकता है, ऐसी मानवता और ऐसा प्रेम हम नौजवानों को एक दूसरे के बीच में रखने की दोस्तों जरूरत है। कई लोग बोलते हैं कि हार्दिक भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतना इतना काम किया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग अपनी सोसाइटी में, अपने कस्बे में, अपने विस्तार में, अपने गांव में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, संसद, मंत्री जब आपका वोट मांगने आए तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, उनको जरूर पूछिएगा कि आपने 5 लाख के भीतर, 5 साल के भीतर कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप उनको जरूर पूछिएगा कि आपने 5 साल के भीतर कितनी महिलाओं की सुरक्षा की है। आप उनको जरूर पूछिएगा कि आपने कितने किसानों की आय दुगनी की है। अगर ये सब जवाब वो ना दे सके तो जिस तरह से आप लोग आंदोलन करते हैं और आप लोगों को आंदोलन से रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है, तो उसी प्रकार आपके गांव और आपके कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए धारा 144 लगाइए और उन लोगों को आपके गांव में मत घुसने दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग हमारे नहीं हो सके, जो लोग हमें मदद नहीं कर सके, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद नहीं कर सकते। मेरी उम्र 27 साल है, मैं कोई नेता नहीं हूं, पता नहीं नेता कहां से किसी ने बना दिया। मेरी 21 साल की उम्र थी और मैं गुजरात में इस रंगा बिल्ला से लड़ रहा था, जो रंगा बिल्ला देश को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मेरी 21 साल की उम्र थी, मैं गुजरात में लड़ रहा था, मुझे 9 महीने जेल में रखा, मुझ पर 32 केस किए, मुझे 2 साल की सजा दी ताकि मैं चुनाव ना लड़ सकूं। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई के पीछे का कारण बहुत सिंपल है कि जब 5-7 साल के बाद किसी मीडिया के अंदर कोई पट्टी लगी हो कि हमारे देश में 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए, हमारे देश के इतने किसानों ने आत्महत्या की, हमारे देश की इतनी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, और तब मेरा बेटा या बेटी टीवी देखकर मुझे ये पूछे कि पापा जब ये देश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब उससे मैं इतना कहना चाहूं कि बेटा जब इस देश को बर्बाद करने का काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे थे तब तेरा बाप 9 महीने जेल में लहरकर इन लोगों से लड़ रहा था, इसलिए लड़ाई लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की तरह यह नहीं कहूंगा कि मेरा रिश्ता आपसे पुराना है। नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं कि आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना है, लेकिन मैं इतना गर्व महसूस
उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर इसलिए करता हो क्योंकि आज जितना भी हमारा गुजरात बना है, जितनी भी सड़कें बनी है, जितनी भी इमारत बनी है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर और मेहनतकश लोगों का हाथ है, इसलिए इतना अच्छा गुजरात आज बना है। आज जो गुजरात में आकर मजदूर मेहनत करता है उत्तर प्रदेश और बिहार का, जो आदमी सड़क बनाता है, जो आदमी वहां भूखे पेट मेहनत करके अपने घर यहां पैसा भिजवाता है, मैंने कई उत्तर प्रदेश और बिहार के उन मजदूरों के घर भी देखे जिनके घर आज तक पक्के नहीं बने। हम आपको ये वादा देते हैं, हम आपको ये वचन देते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी पर भरोसा इसलिए कहने के लिए कहता हूं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल की पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू की पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी थी, और जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया ऐसे लाल बहादुर शास्त्री की ये कांग्रेस पार्टी है। मुझे भरोसा है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, आप लोग कांग्रेस पार्टी के कंधों को मजबूत करेंगे तो आने वाले दिनों में एक नई दशा और दिशा के साथ उत्तर प्रदेश आप लोगों के सामने होगा। और कल हम 12 विधानसभा में गए थे, अजय राय जी वहां पर 12 विधानसभा में एक 80 साल के बुड्ढे ने, 80 साल के एक दादा ने हम लोगों को कहा कि हार्दिक भाई 12 विधानसभा में ये जो नहर बनी है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन थी, उसके बाद इस एरिया में किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए दोस्तों आपसे कहता हूं कि हम नौजवानों के हाथ में इस देश की अब गति और दिशा है। हम लोगों को तय करना है कि हम लोगों को कहां जाना है। हमें नफरत को छोड़ के प्रेम को पकड़ना है, एक भावना मानवता को पकड़ना है ताकि सब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और देश को बचा सके। इस भर्ती विधान के तहत मैं और नीरज जी, अजय राज जी और हमारे जितने भी एआईसीसी के प्रवेशक हैं वो सब लोग आपसे विनती करने के लिए, अपील करने के लिए आए थे कि आइए सब साथ मिलकर अच्छे उत्तर प्रदेश के इस विकास में हम काम करें। इसी बात के साथ मैं फिर से आप लोगों का और एनएसयू और यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।